अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होगा और अल्लाह हमेशा हमेशा अपने फजमान में रखे। आज एक नई और ख़ूबसूरत रिश्ते के साथ, बल्कि एक नई तीन रिश्ते के साथ लेके हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों की खिदमत में। इसी वीडियो में उनकी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप बआसानी रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, लिहाजा आप वीडियो एंड तक देखें ताकि मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बता सकूं, ताकि आप बआसानी रब्ता कर सकें। क्योंकि नंबर मैं अक्सर ज़बानी तौर वीडियो में नंबर या स्क्रीन पे शो करवा देता हूं, तो लिहाजा इसी तरह आपसे नंबर भी मिस हो जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्त फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा रब्ता नहीं हुआ, और बहुत सारे मसाइल से वो अपने आप को आगाह नहीं करते हैं। लिहाजा मसला यही है कि आप पूरी तरीके से इस रिश्ते के बारे में आप जान सकें। बाकी आप रब्ता करें, देखो बाकी फैसले तो हमारी रब करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी और आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलो मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, रिश्ते की तरफ चलते हैं। उससे पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, जो हमारे चैनल्स पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बर वक्त सबसे पहले मिल सके, ताकि आप रब्ता कर सकें। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। हमारे पास जो रिश्ता मौजूद है, ये उकाड़ा से हमारे पास मौजूद है, जो पंजाब से पड़ती हैं। तो लिहाजा ये तीन बहनें हैं, इनकी बड़ी बहन की हमारे साथ रब्ता भी, इनकी वालिद साहब और वालदा साहब बहुत हो चुकी हैं। तो इस बड़ी बहन का कहना था कि सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहनों की शादी करूंगी, तो फिर उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूंगी। तो इनका कहना है कि ये छोटी जो बहनें हैं वो भी माशाल्लाह अभी जवान हो गई, एक 21 साल की, एक 23 साल की, और ख़ुद इनकी उम्र 26 साल है। तो बड़ी बहन का कहना है कि सबसे पहले मुझे छोटी बहनों की पी करे के, ताकि उन्हें अच्छा घर और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारे, तो इज़्ज़त से उन्हें रिश्ते मिल जाए। लेकिन इनकी सबसे पहले यही डिमांड है, जिस वगैरह तो दे नहीं सकता है, लेकिन बगैर जिस की शादी करनी होगी। तो लिहाजा इनका कहना है कि सबसे पहले मेरा डिमांड जो है वो पंजाब से है, लाहौर से, कहीं से भी पंजाब सूबा में अगर हमको रिश्ता मिले तो बहुत ही बेहतर है बेशक, फिर भी अगर ना हो सका तो किसी और भी शहरों से आप रब्ता करें। तो इंशाल्लाह इनका कहना है जो मुझे लड़का और उनकी फैमिली से बातचीत होगी, पसंद आएगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं उससे बात करूँगी। लेकिन इनका सबसे बड़ी डिमांड जो है वो कहती है कि पंजाब ज़िले से होनी चाहिए, यानी कि पंजाब सूबा से होनी चाहिए, कि ताकि कल को मैं मिलने के लिए बआसानी चली जा सकूं और मेरे ले जाने और मिलने की तकलीफ़ ना हो। तो लिहाजा इनको अच्छे नेक और मुखलिस तीन बहनें हैं, इन तीनों ने शादी करनी, सबसे पहले जो है छोटी बहनों की करनी है, उसके बाद उसने अपनी शादी करनी है। तो लिहाजा ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके पास जिसका कोई ख़र्चा नहीं है। तो ठीक है, मैं इसी की नंबर शो करवाना चाहता हूँ। तो तमाम उस दोस्तों से गुजारिश है जो शादी नहीं करना चाहते हैं, तो लिहाजा ऐसे तीन लोगों से, गरीब लोगों की बदवा मत लीजिए, कि ताकि आप हर किसी टाइम पे उन्हें फ़ोन करते जाए, ताकि वो बेचारे लोग तंग आ जाते हैं। तो लिहाजा फिर उसी सिरत में ये लोग नंबर बंद कर देते हैं। याद रहे कि एक और भी वजह यही है कि अगर नंबर बनता तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जो रब्ता कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप नंबर पर, हमारी फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी बात उनके साथ आगे शेयर कर सकूं, ताकि अगर इनका नंबर बंद हो चुका था तो। लिहाजा जो मेरा नंबर भी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ये मेरा नंबर है, जोन का नंबर, पहले जिसका नंबर था, अब इस नंबर पर भी आपने हमसे रब्ता करना, जहाँ तक हमसे हो सके आपकी हेल्प और आपकी आवाज़ ज़रूर बनूंगा, बिना मकसद की, बिना मतलब की, कोई ही किसी से लालच नहीं है, सिर्फ यही लालच है कि अल्लाह चाहे आप लोगों की घर बने और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखे। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, और अब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत सारे ख्याल रखे, अल्लाह निकेबान।